अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम वीवो वाई सेवनटीन जो है इसका स्क्रीन अनलॉक करेंगे विदाउट डेटा लॉस तो इस वक्त देखें फ़ोन जो है वो स्क्रीन लॉक फॉर्म में है पैटर्न लगा हुआ है पैटर्न फॉरगेटेड है तो अब अगर आपको मॉडल समझ ना है कि ये कौन सा मॉडल है कौन सा चिपसेट है तो इसका तरीका देखें क्या है कि पहला तरीका तो ये होता है कि हम इसका कैमरा ऑन करके स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करेंगे तो कैमरा देखें इस पर ऑन हो गया बट ये याद रखेगा हर फोन पे ऐसा नहीं होता कुछ पे कैमरा ऑन करने पे भी स्क्रीन लॉक मांगेगा ये तो इसका फिलहाल कैमरा ऑन हो चुका है एक पिक्चर हमने कैप्चर किया उसकी डिटेल लेते हैं तो यहाँ पे ये देखें आपको मॉडल नंबर इसका नज़र आएगा वीवो वन ठीक है जी मॉडल नंबर हमें पता चल गया कि 1902 ये मॉडल नंबर है वीवो का अब हम अगर गूगल पे जाकर टाइप करते हैं कि ये 1902 फोन जो है किस चिपसेट के ऊपर है और इसका एंड्रॉयड कौन सा होता है तो देखें गूगल पे आकर अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं वीवो वन नाइन ज़ीरो टू चिप या स्पैक लिख लें तो स्पैक लिखने से ये देखें जी एस एम पे ये फ़ोन आएगा सामने और यहाँ पे वाई सेवनटीन ये देखें जी ये वाई सेवनटीन फ़ोन होता है वीवो का और इसका चिपसेट अगर हम चेक करें तो ये फ़ोन 2019 में लॉन्च हुआ था और 19 का मतलब है Android 9 पे फिर लॉन्च हुआ था ये ठीक है ये देख देखने थर्ड लाइन पे आपको नजर आ रहा है एंड्रॉइड नाइन पे नाइन पर ये फ़ोन लॉन्च हुआ है और इसके में जो चिपसेट लगा हुआ है वो है मीडिया टेक्सिक्स सेवन सिक्स फाइव हीलियो पी थर्टी फाइव ठीक है जी अब इसका देखें जी स्क्रीन अनलॉक करना है विदाउट डाटा लॉस अगर हम स्क्रीन लॉक विदाउट डाटा लॉस ओपन करने में कामयाब हो गए तो एफ आर पी से जान छूट जाएगी एफ आर पी फेस नहीं करना पड़ेगा तो अनलॉक टूल की तरफ चलते हैं देखें अनलॉक टूल रन कर दिया है और यहाँ पे हम वीवो टैब पे आते हैं वीवो ब्रांड्स पे वीवो ब्रांड पे क्लिक करने के बाद आपने लेफ़्ट साइड पे सर्च का ऑप्शन आएगा यहाँ पे अपना मॉडल टाइप करना है 1902 ठीक है जी 1902 ये देखें वाई सेवनटीन यहाँ पर भी लिखा हुआ गया आप वाई सेवनटीन भी टाइप कर सकते थे तो यहाँ पे ये यह देखें अब कुछ ऑप्शंस मिलेंगे हमने क्योंकि इसका स्क्रीन अनलॉक करना है विदाउट डाटा लॉस तो इसके लिए हम फ़ोन को पहले तो कर देते हैं स्विच ऑफ ठीक है स्विच ऑफ़ करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है यहाँ से आ जाना है मीठा मेन्यू पे और मीठिया मेन्यू पे आके ये जो बटन है सेव फॉर्मेट ठीक है कीप डाटा इस बटन पे क्लिक कर दें और फ़ोन को आपने डाटा केबल के साथ कनेक्ट कर देना कोई बटन वगैरह दबाने की ज़रूरत नहीं है इस ऑपरेशन के सक्सेस होने में अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो सक करना पड़ सकता आपको तो फिर आप समझिए कि आपके सिस्टम में फिल्टर यू ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो फिल्टर यू ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होंगे वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसको कवर करके आप ड्राइवर अपना पहले मुकम्मल करें तो तब भी आप ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं तो ये देखें जी बूटिंग मीटा मॉड जो है ओके हो गया और वेटिंग डिवाइस और इनिशलाइजेशन मीटा यहाँ तक आ गया है और ये इसने बता दिया है कि आपका जो है सेफ फॉर्मेटिंग डाटा ओके रिबूटिंग डिवाइस ओके ठीक है जी तो ये देख लें डन हो गया अब फ़ोन ने ऑन होना है ना ऑन हुआ तो आप मैनअली इसको ऑन कर लें पावर बटन दबा के अगर इसने ऑन होने में ज़्यादा टाइम लगाया तो फिर इसका मतलब है कि ये फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है कोई डाटा हमारा नहीं बचा और ये देखें ये फॉर्मेटिंग प्रोसेस इसने स्क्रीन पे शो किया है और अगर जल्दी ऑन हो गया तो फिर दो रिज़ल्ट आ सकते हैं या तो लॉक ही नहीं खुला या फिर स्क्रीन अनलॉक हो गया है विदाउट डाटा लॉस ठीक है जी एंड्रॉयड नाइन वाला ये फ़ोन था सिक्योरिटी पैच इस पर फर्स्ट अगस्त 2021 का लगा हुआ है तो चलें देख लेते हैं जी ऑन होने में कितना टाइम लेता है तो ये वीवो का लोगो आ गया और ये देखें जी ऑन हो चुका फ़ोन अब हम स्वाइप करके देखते हैं कि क्या पहले जो पैटर्न था अब ये पैटर्न मांगता है कि नहीं तो स्वाइप करने से यह देखें जो कोई पैटर्न नहीं मांगा तो ये हमने सक्सेसफुली इसका स्क्रीन अनलॉक कर लिया विदाउट डाटा लॉस अगर आप चेक करना चाहें सेटिंग के अंदर जाके देख सकते हैं गूगल अकाउंट वगैरह जो भी था वो एज इट इज़ होगा अगर आपकी एप्स वगैरह इंस्टॉल हैं व्हाट्सएप फेसबुक वीडियो वगैरह वो सब एज इट इज़ मौजूद रहेंगे रहें। कुछ भी लॉस नहीं होता तो ये था आसान सा तरीका कार तो होप के बाद आपकी समझ में आ गई होगी तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़